नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक हैं जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टामोजे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ और अभी लास्ट लेक्चर तक हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में कंचुरी डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हम इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, इनके जो ऑफिसर्स थे, उसके बारे में हमने एक एक स्टडी कर चुका है कि जिनको आज हम फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, ट्रैफिक ऑफिसर वगैरह ये देखते हैं, तो उस समय ये किस नामों से जाना जाता था। और यही एग्जाम में भी पूछा जाता है। आज ये सीरीज का मतलब ये कल्चुरल डायनेस्टी का हो सकता है कि आज ये लास्ट लेक्चर हो। थोड़ा हम लोग इसको लंबा खींचने की कोशिश करेंगे और कल्चुरल डायनेस्टी को अब खत्म जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो खत्म करेंगे। लेकिन खत्म करने के चक्कर में कोई इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन वो करेंगे। और आज फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, वो है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अगर बात किया जाए तो इकोनॉमी। कोई भी देश या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की इकोनॉमी सबसे उसका बेस होती है, जहां से वो पैसे अर्न करती है और जिससे पूरा सिस्टम चलता है। तो इनकी सिस्टम कैसे चलती थी वो हम देखते हैं। तो इनकी जो इकोनॉमी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये मेंस में भी एज इट इज पूछा जा चुका है कि राइट डिटेल्स अबाउट इकोनॉमी ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर जो हम लिखेंगे वो है डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। इनकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डेवलप्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। इनका अपना एक टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था, उनके टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे, टैक्स के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, और लास्ट में जो पूरा गढ़ और के जो वो है जो मेन हुआ करते थे दीवान, वो टैक्स जो उनका थे उसको एक्सचेकर में जमा करते थे। बकायदा पूरा एक डेवलप्ड सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जो इनका मेन सोर्स था, जो जहां से ये मेन सोर्स पैसे इकट्ठे करते थे, वो थे लैंड टैक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के टैक्स ये लेते थे, लेकिन उनमें से जो सबसे मेन टैक्स था जिससे पैसा इनका आता था वो था लैंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज भी थी हमारे यहाँ, मतलब कल्चुरल डायनेस्टी में, वो थे वीविंग इंडस्ट्री, ठीक है, वीविंग इंडस्ट्री थे। उसके बाद यूटेंसिल, जो बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग, यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री थी। हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और ये सारे जो इंडस्ट्री थे वो बकायदा डेवलप्ड स्टेट में थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये डेवलपिंग है, कुछ भी नहीं था, ये ऐसा नहीं था, ये डेवलप्ड स्टेट में थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये गोल्ड कॉइन्स भी इशू करते थे, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। गोल्ड हमने बहुत सारे उसमें देखे हैं कि जैसे श्रीमद जाजल्यदेव के सिक्के देखे थे, जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजल्यदेव एंग्रेव कराया था। अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉइन्स हमने स्टडी किए थे जब हम रूलर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ठीक है। उस समय जो टैक्स को प्रोक्योर करता था, प्रोक्योरर ऑफ टैक्स, ठीक है, उसका नाम था शोल्फिक, ठीक है, शोल्फिक, ठीक है, शोल्फिक कहा जाता था। और जो ग्रॉसर ऑफ टैक्स था, ग्रॉसर ऑफ टैक्स, उसका नाम था वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य, इनके ग्रॉसर ऑफ टैक्स को कहा जाता था और प्रोक्योरर ऑफ टैक्स को शोल्फिक कहा जाता था, ठीक है। तो ये एक मेन इकोनॉमी सिस्टम हो गया। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं इकोनॉमी में कि इनका जो मनी था वो किस प्रकार था, कि वो जैसे आज हम लोग रुपए चलाते हैं, कहीं डॉलर चलता है, येन चलता है कहीं पे, वैसे इनका जो मनी का सिस्टम था, करेंसी था, वो कैसा था। तो अगर अपन देखें
मनी मनी, ठीक है। तो इनका जो बेसिक मुद्रा था, जो आज हम लोग रुपए चलाते हैं, वैसे इनका मुद्रा नहीं था, इनका मुद्रा था कौड़ी, ठीक है, कौड़ी। तो सबसे जो बेसिक इकाई थी वो थी कौड़ी, लेकिन अगर जो सबसे ऊपर की इकाई थी वो थी दोगनी, दोगनी, ठीक है। तो अपन आगे जाते हैं, वो करते हैं कि एक एक गाड़ा, ठीक है, इनकी अलग अलग इकाई थी, जैसे यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, एक दोगनी थी, ठीक है, उसके बाद कोरी था, कोरी, ठीक है, और उसके बाद था गाड़ा, और फिर था कौड़ी, ठीक है। ये चार मेन इनका मनी का जो मेजरमेंट था वो इस प्रकार होता था, ठीक है, और ये हायरार्की बेस्ड है, ठीक है, दोगनी सबसे बड़ा, फिर कोरी, फिर गाड़ा, फिर कौड़ी, कौड़ी सबसे लीस्ट यूनिट थी, ठीक है। तो अगर अपन देखें, जैसे एक गाड़ा बराबर कितना कौड़ी, ठीक है, तो एक गाड़ा बराबर चार कौड़ी हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप चार कौड़ी लेके आए तो एक गाड़ा उसको कहा जाता था। उसके बाद अगर अपन आए एक कोरी बराबर कितना, तो एक कोरी, ठीक है, बराबर आपका आता है पांच गाड़ा, ठीक है, और एक गाड़ा बराबर चार कोरी, तो 5 × 4 = 20, तो 20 कौड़ी, ठीक है। अब अगर आप देख लें, देखिए एक कौड़ी बराबर मतलब पांच गाड़ा लेके आएंगे तो एक कोरी मिलेगा, और पांच अगर 20 कौड़ी लाएंगे तो आपको एक कोरी मिलेगा, और इन लोग का रिलेशन है चार का, ठीक है, एक गाड़ा बराबर चार कौड़ी होता था। उसके बाद एक दोगनी, ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट है वो है एक दोगनी, ठीक है, एक दोगनी बराबर 16 कोरी होता था, ठीक है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, 16 कोरी एक दोगनी के बराबर होता था, ठीक है, 16। तो अगर अपन इनका मेजरमेंट देखें तो देखिए एक दोगनी बराबर 16 कोरी हुआ, लेकिन एक कोरी बराबर पांच गाड़ा है, तो 16 अगर 16 × 5 करें तो कितना होगा 80, तो 80 गाड़ा हो गया, और एक गाड़ा बराबर चार कौड़ी, तो 84 × 320, तो 320 कौड़ी, ठीक है। तो ये अगर अपन रिलेशन बनाए तो ये रिलेशन बनेगा इन लोग के मनी का सिस्टम का स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो ये याद रखिएगा कि आप ऐसे हायरार्की में पहले बांट लीजिए, ठीक है, मनी दोगनी, ठीक है, उसके बाद आते हैं कोरी, फिर गाड़ा, फिर कौड़ी, ठीक है। एक जैसे यहां से अपन जाए तो कितने कौड़ी बराबर एक गाड़ा होगा, तो चार। सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहां से आते हैं, ठीक है, तो इनको यहां से अगर कौड़ी से गाड़ा गए तो चार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसके बाद यहां से जो गाड़ा में जाते हैं वहां पांच होता है, ठीक है, तो यहां से यहां गए तो पांच, और यहां से यहां गए तो आपके आते हैं 16, ठीक है। तो आप सिंपल याद कर लीजिएगा, 4, 5 और 16, इतना ही बस याद रखिएगा, उसके बाद इतना सब याद तामझाम करने की जरूरत नहीं है, 4, 5 और 16, ठीक है। तो चार कौड़ी बराबर एक गाड़ा, पांच गाड़ा बराबर एक कोरी, और 16 कोरी बराबर एक दोगनी, ये एज ए सिंपल थिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट आते हैं तो इसी में हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट को भी, ठीक है, मेजरमेंट कुछ चीज इन अगर ये नापते थे तो ये कैसे नापते थे, ठीक है, मेजरमेंट। तो इनका जो मेन जो सबसे छोटी इकाई थी, अब यहां पे एक सीरीज बना देता हूं, उसका है मन, ठीक है, मन, फिर पंसेरी, फिर सेरी, तो सबसे छोटी यूनिट सेरी थी, उसके बाद पंसेरी, फिर मन था, ठीक है। अब फिर से इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं, देखिए एक पंसेरी बराबर कितना सेरी होगा, तो एक पंसेरी, पन से समझ में आना चाहिए कि पांच, ठीक है, तो एक पंसेरी बराबर पांच सेरी, ठीक है, तो यहां पे ये पांच हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक मन बराबर कितना पंसेरी होगा, तो एक मन बराबर आठ पंसेरी, ठीक है, ये आठ। अब हमको पता है कि एक पंसेरी बराबर इतना, तो यहां पे हो गया 40 सेरी, तो हम ये देख लिए मनी मेजरमेंट वगैरह, ठीक है, एक मन बराबर आठ पंसेरी। तो
ये सिस्टम को इतना पढ़ लीजिएगा कि ये जो इकोनॉमी वाला सिस्टम है, उसके बाद हम इसमें अगर सोशल लाइफ में अगर देखें तो सोशल लाइफ में अपन चलते हैं, ठीक है। इनके सोशल लाइफ एंड इनकी जो कल्चरल लाइफ है उसको दोनों को स्टडी करते हैं कि, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके मेंस में, पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इनका जो सोशल लाइफ है, पहले ही हम इस बारे में जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू किए थे तो ही हम पहले ही बोले थे कि जो इनका जो सिस्टम था वो बड़ा पीसफुल था, पीस इनका जो मेन था और सब्जेक्ट इनका हैप्पी था। तो इनका जो लाइफ था, जो सोशल लाइफ था, वो एकदम सिंपल था, कोई ज्यादा तामझाम नहीं था एंड पीसफुल था, ठीक है, सिंपल एंड पीसफुल। और जो इनका सोसाइटी था वो पैट्रियार्कल था, ठीक है, पैट्रियार्कल मतलब पिता पे बेस्ड था, पैट्री आर्कल, ठीक है, पिता पे बेस्ड था। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, देखिए हम लोग जहां पे स्टडी किए थे कि एक जाजल्य देव, ठीक है, जाजल जाजल्य देव फर्स्ट की जब हम लोग स्टडी किए थे तो हम लोग एक बार देखे थे कि ये जो छिंदक नाग वंश के सोमेश्वर देव हैं, इनको वो डिफीट किए थे और डिफीट करने के बाद इम्प्रिजन भी कर लिए थे, उनको बंदी बना के भी रखे थे। और फिर जब सोमेश्वर देव के माता ने उन्हें बोला कि आप इन्हें छोड़ दीजिए तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो ये चीज दिखाता है कि रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन द सोसाइटी वॉज देयर। सो अगर अपन देखें रिकॉर्ड ऑफ गुंडा महादेवी, ठीक है, गुंडा महा देवी की अगर अपन बात करें तो ये होता है कि रिस्पेक्ट फॉर वुमेन था इनके सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद एक चीज देखते हैं कि यहां पे हमको पॉलीगेमी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, एक राजा के बहुत सारी रानियां थी, बहुत मैरिज होता था एंड सती सिस्टम का भी हमको डिस्क्रिप्शन कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। सती एज सच एकदम एविडेंस तो मिला नहीं है, लेकिन सती चौरा होने का ये हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कहीं ना कहीं सती सिस्टम था यहाँ पे। एक ब्लू स्टॉकिंग भी चीज थी यहाँ पे, ठीक है, ब्लू स्टॉकिंग हुआ करती थी और वो उसका जो एविडेंस मिला है वो नोनला देवी के थ्रू मिला है, मतलब नोनला देवी वॉज अ ब्लू स्टॉकिंग, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो देखिए ऐसे तो सिस्टम हमारा जो सोसाइटी है वो वर्ण सिस्टम में बटी हुई थी अलग अलग, लेकिन यहाँ पे शूद्र, जो शूद्र की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है यहाँ पे, ठीक है, कोई शूद्र की इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती है। उसके बाद अगर इनका रिलीजियन देखा जाए तो ये शैव धर्म को मानते थे, ठीक है, शैव रिलीजियन को ये बिलीव करते थे। कैसे पता चला, देखिए इनका जो भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था उसमें वो ओम नमः शिवाय लिखते थे, ठीक है, तो ओम नमः शिवाय से ये हमको ये समझ में आता है, और भी बहुत सारे एविडेंस है उससे समझ में आता है कि ये शैव रिलीजन के फॉलोअर थे, लेकिन ये वैष्णव को भी प्रोटेक्ट करते थे, वैष्णव को भी प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। और इसी का एक कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जैसे इनके रतनपुर फोर्ट में रावण यज्ञ का डिस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, एट रतनपुर फोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी हमको इनके सोशल लाइफ के बारे में हमको मिलती है। जो वैष्णव प्रोटेक्शन करते हैं उसकी भी हमको जानकारी मिलती है। देखिए जांजगीर में विष्णु मंदिर है, छोटा विष्णु, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर बोलते हैं उनको, तो वैष्णव उसमें 24 इनकारनेशन, उनके जो 24 अवतार हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो वैष्णव फेथ को भी प्रोटेक्ट करते थे। इनके जो जो कुल की देवी थी, ठीक है, क्लैन जो इनकी कुल की गॉडेस थी वो थी गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी को ये अपने कुल देवी मानते थे और ये शक्ति के उपासक थे, शक्ति के वर्शिपर थे, ठीक है, भले ये मतलब
जिस फेथ को मानते थे वो ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन वर्शिपर जो भक्ति करते थे वो शक्ति है। आप देख लीजिए, तुम्हान में महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, रतनपुर में महामाया देवी टेम्पल है, खल्लारी में खल्लारी देवी का मंदिर है, तो ये शक्ति के उपासक थे। और अगर इसकी जानकारी हमको जगत पाल से भी मिलती है, जैसे जगत पाल जो इनके नोवल थे, मतलब एक जो किंग के नोवल थे, उन्होंने जो मंदिरों को रेनोवेशन कराने की कोशिश की थी, जैसे हम रूलर्स में पढ़े थे तो याद आएगा RPJ, ठीक है, और इसको हम लोग 3-2-1 करके पढ़े थे, ठीक है। ये जाजल्यदेव फर्स्ट थे जो जिसको पाली शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर को रेनोवेट करवाया था, ठीक है, पाली शिव टेम्पल। पृथ्वीदेव टू, ये आपके राजीव लोचन टेम्पल को रेनोवेट कराए थे, ठीक है, राजीव लोचन टेम्पल। और जो रत्नदेव थर्ड थे वो लखनेश्वर, ठीक है, लखनेश्वर खरौद टेम्पल को रेनोवेट कराए थे, तो रेनोवेशन का भी काम इसमें इन्होंने कराते थे, ठीक है। और आप इनका जो मिलिट्री सिस्टम था, ठीक है, मिलिट्री सिस्टम वो लैंड लॉर्ड पे बेस्ड था, ठीक है, और यही कारण था कि इनका जो पूरा सिस्टम है वो डिक्लाइन कर गया, ठीक है, ये वन ऑफ द रीजंस में से एक था, ठीक है। तो ये आपका कल्चुरियों का सोशल और कल्चरल लाइफ था जिसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और इनके कुछ लिटरेचर लिटररी वर्क के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इस टाइम पे कुछ अच्छे पोएट थे, वो इनके बारे में कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन करते हैं। कुछ के तो हम जब रूलर्स पढ़ते तब भी स्टडी किए थे, लेकिन अभी यहाँ पे कंपाइल फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं राइटिंग वर्क्स पे, ठीक है, राइटिंग वर्क्स, तो देखिए रुद्र शिव एंड राजगुरु, ये दो इंसान थे जाजल्य देव टाइम पे, ठीक है, जाजल्य देव के समय पे ये थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की स्टडी की थी, ठीक है। तो रुद्र शिव और राजगुरु ये दो इंसान थे। उसके बाद अगर आप देखें तो अच्छे अच्छे कुछ वो हैं बाबू रेवा राम। ये जब आप क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का लिटरेचर पढ़ेंगे तब भी इनका नाम पढ़ेंगे, बाबू रेवा राम। और बकायदा ये एग्जाम में पूछता ही है कि बाबू रेवा राम की कौन सी इनमें से रचनाएं हैं, तो इनके लगभग 9 रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। और ये कलचुरी के डायनेस्टी के टाइम पे ही थे उनके, ठीक है। तो बाबू रेवा राम के कुछ उसमें विक्रम विलास, ठीक है, नर्मदाष्टक, ठीक है, दीपिका, ठीक है, और गीता माधव, गंगा लहरी, ठीक है, उसके बाद है सार रामायण, ठीक है, और एक ब्रह्म स्त्रोत्र भी है, ब्रह्म स्त्रोत्र, एक रत्न परीक्षा है, रत्न परीक्षा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और एक जो बच जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तवारीख है वंशी। एक्चुअली कल्चुरी डायनेस्टी को है वंशी भी कहा जाता था, वंश, तो उसी के उसमें लिखे थे तवारीख है वंशी, ठीक है। एक शिवदत्त शास्त्री भी थे उस टाइम पे, शिवदत्त शास्त्री, ठीक है, शिवदत्त शास्त्री की दो याद रखेगा, इतिहास समुच्च और दूसरा है रतनपुर अख्यान, ठीक है, रतनपुर अख्यान।
तो ये दो लोगों की, आप बाबू रेवाराम की याद रख लीजिएगा, नौ लगभग नौ हैं, और शिवदत्त शास्त्री की अध्यास समुच्चय और रतनपुर अख्यान, और रुद्रशिव और राजगुरु की जाजल्यदेव के टाइम पे थे, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर पढ़े थे, ठीक है। और एक जो इनके जो बहुत फेमस पोएट है, उनका नाम आए बिना तो ये खत्म ही नहीं हो सकता, वह है गोपाल प्रसाद मिश्र, ठीक है, गोपाल प्रसाद मिश्र। इनकी बहुत बड़ी रचना है जो मैं पहले भी डिस्कस किया था, खूब तमाशा, ठीक है। राज सिंह जब हम लोग पढ़े थे तब उसमें हमने स्टडी किया था कि ये उनके पोएट थे, और लगभग 1750 एडी के आसपास, और इन्होंने खूब तमाशा लिखा था। ये क्रिटिसिज्म था औरंगजेब के गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र, ठीक है, और उसके बाद आता है भक्त चिंतामणि, भक्त चिंतामणि, और जो लास्ट है वो है राम प्रताप। लेकिन राम प्रताप ये पूरा नहीं कर पाए, और इनके बेटे जो थे माखन प्रसाद मिश्र, वो उसको पूरा किए थे, ठीक है। एक चीज याद रख लीजिएगा कि इसी टाइम पे, ये तो राइटिंग वर्क हो गया बाबू रेवाराम के बारे में याद रख लीजिए, शिवदत्त शास्त्री और गोपाल प्रसाद मिश्र के बारे में, एक चीज इनके टाइम पे ये देख लीजिएगा कि देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में बहुत सुने होंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य ये भी इसी टाइम पे थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। ये जब हम लोग उनका स्टडी किए थे ब्रह्मदेव राय के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि ब्रह्मदेव राय ने रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो वो जो दूधाधारी मठ के, वो इन्हीं के पे बेस्ड था, तो रामदानी, रामदानी ट्रेडिशन, ठीक है, पे बेस्ड था वल्लभाचार्य जी का वो, और यही दूधाधारी मठ के लिए भी, दूधाधारी मठ, ठीक है, इन्हीं के नाम से था। और अगर अपन देखें तो देखे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, एक तो चतुर्भुजी, चतुर, अब ये छोटे छोटे पॉइंट है जो लास्ट में अपन याद कर लेते हैं, चतुर्भुजी टेंपल, चतुर्भुजी टेंपल का भी जो निर्माण है वो इसी टाइम पे हुआ था, ठीक है। और अगर देखें तो जो क्या बोलते हैं रत्न सिंह कायस्थ करके हैं, रत्न सिंह कायस्थ, ठीक है। इसके बारे में एक चीज याद रख लीजिए कि मल्हार में, जो मल्हार है वहां पे एक शिव मंदिर है, ठीक है। मल्हार के शिव मंदिर का जो बिल्ड करवाए थे वो थे रत्न सिंह कायस्थ, ठीक है। तो मल्हार के शिव टेम्पल, ये क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जनरली हम लोग जितने टेम्पल पढ़ते हैं वो सब रूलर्स के टेन्योर के पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी इसको बनवा रहा है तो उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए, तो रत्न सिंह कायस्थ के बारे में याद रख लीजिएगा। अब एक लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं कि उस समय हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे तो ये एरिया छूट गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो कलचुरी एडमिनिस्ट्रेशन था, कलचुरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपका तीन टाइप के एरिया में बटा हुआ था, ठीक है, तीन टाइप के एरिया में बटा हुआ था। एक था आपका खालसा एरिया, खालसा एरिया, ठीक है, एक था जमींदारी एरिया, और एक था प्रिंसली एरिया, ठीक है। ये प्रिंसली एरिया किसी प्रिंस के अंडर हुआ करता था, इसीलिए कलचुरियों का इंटरवेंशन, जो उन लोग का हस्तक्षेप है वो नहीं होता था, कोई इंटरवेंशन नहीं करते थे कलचुरी लोग। जमींदारी एरिया जमींदारों के अधीन था, उसमें कोई जमींदार होते थे और ये उनको टैक्स और पैसा देते थे, ठीक है। और खालसा एरिया उनका खुद का डायरेक्ट उस पर रूल करते थे, ठीक है। तो खालसा एरिया डायरेक्ट रूल खालसा एरिया पे करते थे, इसको हम लोग गवर्नमेंट एरिया भी उनका बोला जाता था, कि उनका जो भी गवर्नमेंट का एरिया है या एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया वो उसी का था, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो इन लोग का जो हायरार्की था वो था खालसा, ठीक है। उसके बाद अगर आए तो
तो था राष्ट्र, ठीक है, उसके बाद विषय, फिर देश, ठीक है, और लास्ट में था मंडल। ये पांच एरिया थे, ठीक है, इस पे इनका हायरार्की बटा हुआ था, ठीक है। तो खालसा एरिया तो हम लोग देख लिए कि अभी जो देखे कि खालसा एरिया में वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनका गवर्नमेंट का एरिया था, ठीक है। राष्ट्र जैसे आज हमारा डिवीजन है, संभाग है, जैसे बिलासपुर संभाग है, रायपुर संभाग है, जो डिवीजन है वो उस टाइम का राष्ट्र कहलाता था, ठीक है। विषय आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उस टाइम का विषय बोलते थे। आज हमारा जो तहसील है वो उस टाइम का देश था, और आज हमारे जो विलेजेस हैं वो उस टाइम के मंडल हुआ करते थे। और यही मंडल जब के जो हेड थे उसको मांडलिक बोलते थे, ठीक है, मांडलिक। और जो इनके लगभग 1,00,000 मंडल के जो हेड होते थे उसको मंडलाधिपति बोलते थे या मंडलेश्वर बोलते थे, मंडलेश्वर, ठीक है। ये 1,00,000 मंडल्स या विलेजेस के हेड थे, ठीक है, और ये मांडलिक उसके हेड मंडल्स के। तो ये हमारा ये एरिया भी कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार कलचुरी का जो पूरा डायनेस्टी है वो आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे उसमें हम लोग इनके जो कॉन्टेम्प्ररी है, फड़िकनाग वंश, फिर नीचे सोम वंश जो काकेर के हैं, और फिर छिंदक नाग वंश और काकती डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग कलचुरी डायनेस्टी को रिवाइज करते रहिए, और पूरा जितना अभी तक अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, तो ही वो हेल्पफुल हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।